अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इजी सी चिकन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये मैंने जो है चिकन टिक्का फ्लेवर में चिकन के लेग पीसेस को फ्राई किया था। ये देखिए कितना मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी सा चिकन हमारा फ्राई हुआ था। तो सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया था, 1 टीस्पून, फिर टिक्का मसाला लिया, फिर सॉल्ट लिया, रेड चिली पाउडर, गर्म मसाला, योगर्ट, लेमन, और उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया। सारे स्पाइसेस मैंने मेंशन कर दी हैं, इनको जो है आपने मिक्स करना है। उसके बाद जो है आपने चिकन के लेग पीसीस को ऐड करके इसको मिक्स कर देना है, और जो है इसको मैरिनेट करने के लिए आपने चिकन को रख देना है 4 से 5 घंटे के लिए, या फिर अगर आप लोग ओवरनाइट रखना चाहें तो आप लोग जो है ओवरनाइट भी रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, आप लोगों ने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है और मेरे साथ फीडबैक जरूर शेयर करना है। इसके अलावा भी मैं आपके साथ चिकन की बहुत सारी रेसिपीज शेयर कर चुकी हूँ, जैसे कि स्टीम रोस्ट। तो आपने अभी जाना है मेरे चैनल को, आपने विजिट ज़रूर करना है और रेसिपीज़ आपने ज़रूर देखनी है। अब जो है ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने 10 से 12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर फ्राई करना है चिकन को। उसके बाद 5 मिनट के लिए आपने मीडियम फ्लेम पर करना है। इस टाइमिंग को आप लोग फॉलो करेंगे तो ही आपका जो है चिकन अच्छे से फ्राई होगा और पकेगा, वरना जो है बाहर से तो वो पक जाएगा लेकिन अंदर से वो कच्चा रहेगा। तो यह आज की हमारी रेसिपी इतनी ही थी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।